हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग स्किल। एंड टुडे वी विल डिस्कस एमसीक्यूज ऑफ रिटेल। तो रिटेल की ये जो एमसीक्यूज हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं। और ये मैंने जो अभी 12th क्लास का आपका बोर्ड का एग्जाम होने वाला है उसके अकॉर्डिंग बनाए हैं। तो ये वाले एमसीक्यूज आप जरूर याद कर लीजिए, ठीक है, ताकि बोर्ड में आपको हेल्प हो जाए। एंड लेट्स स्टार्ट। एमसीक्यू नंबर वन, द बेस्ट वे फॉर ए रिटेलर टू डिफ्रेंशिएट इट सेल्फ इन द कॉम्पिटिशन इज टू, मीन्स जो रिटेलर है उसको अपने आप को दूसरों से अलग करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है। ऑप्शन ए इज इंक्रीज एडवर्टाइजिंग, उसे अपनी एडवर्टीजमेंट बढ़ानी चाहिए। ऑप्शन बी ऑफर द लोएस्ट प्राइजेस, उसे अपने प्रोडक्ट के लोएस्ट प्राइजेस देने चाहिए। ऑलवेज बी वेल स्टॉक्ड, मतलब उसे अपना स्टॉक पूरा रखना चाहिए, मतलब कमी नहीं होनी चाहिए स्टॉक में। तो इसका जो राइट आंसर है वो आप गेस कीजिए एंड देन आई विल टेल यू। यस, इसका राइट आंसर है सी। तो जिसने भी ऑलवेज बी वेल स्टॉक्ड गेस किया होगा उसका ये आंसर ठीक है। तो वैसे तो एक रिटेलर को अपने आप को बेस्ट करने के लिए बहुत इन तीनों चीजों पर फोकस करना चाहिए, लेकिन लोएस्ट प्राइस पर वो फोकस नहीं करेगा क्योंकि इससे उसके जो मार्केट में रेपुटेशन है ये भी कम हो सकती है। हाँ, वो एडवर्टीजमेंट पर जरूर फोकस कर सकता है, लेकिन उसे हमेशा अपने पास स्टॉक पूरा रखना चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है उसके लिए। एमसीक्यू नंबर टू, द फाइनल स्टेज ऑफ द कंज्यूमर परचेज मॉडल इज द, मतलब जो कंज्यूमर है जो गुड्स को खरीदता है उसका जो फाइनल स्टेज है वो क्या है। मतलब जैसे मैं सोचने स्टार्ट करती हूँ कि मुझे ये चीज चाहिए, तो फाइनल स्टेज क्या है मेरी शॉपिंग करने की, परचेज करने की। तो ऑप्शन ए इज बाय डिसीजन स्टेज, मतलब आपने फाइनली डिसीजन ले लिया कि आप खरीद रहे हो किसी प्रोडक्ट को। ऑप्शन नंबर बी इंफॉर्मेशन गैदरिंग स्टेज, मतलब आप इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हो जिस प्रोडक्ट को आपने लेना है। ऑप्शन सी परचेज स्टेज, मतलब आप खरीदने जा रहे हो। ऑप्शन डी पोस्ट परचेज इवेल्युएशन, मतलब आपने खरीद तो लिया प्रोडक्ट को, अब आप उसके बाद उसका इवेल्युएशन कर रहे हो कि वो चीज अच्छी है या बुरी है। तो क्या होना चाहिए फाइनल स्टेज? यस, इसका राइट आंसर है डी। पोस्ट परचेज इवेल्युएशन स्टेज जो होती है ये किसी भी कंज्यूमर परचेज का जो साइकिल होता है कि कंज्यूमर जो है वो प्रोडक्ट को खरीदना कब शुरू सोचना सोचेगा, फिर उसका इवेल्युएशन करेगा, फिर उसकी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करेगा, उसके बाद उसको खरीदेगा और उसके बाद पोस्ट परचेज उसका इवेल्यूएशन करेगा। तो ये उसकी लास्ट स्टेज होती है जिससे कि वो मार्केट में आपकी रेपुटेशन को कैसे बनाएगा। एमसीक्यू नंबर थ्री, व्हाट टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव स्ट्रक्चर आर मोस्ट रिटेल फर्म्स इन्वॉल्व इन, मतलब किस तरह की रिटेल कॉम्पिटिशन स्ट्रक्चर से आजकल के जो भी रिटेल फर्म्स है वो बनी हुई है। ऑप्शन ए इज हॉरिजॉन्टल कॉम्पिटिशन, ऑप्शन बी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ऑप्शन सी वर्टिकल कंपटीशन, ऑप्शन डी प्योर कंपटीशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है कि एक रिटेलर सभी के जैसे प्रोडक्ट्स को बेचते हुए भी अपने आप को सबसे अलग कैसे प्रूव करे, ये होता है मोनोपोलिस्टिक। ठीक है, एमसीक्यू फोर, विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केटिंग फंक्शंस ए रिटेलर कुड नॉट परफॉर्म, इसमें से कौन सा ऐसा फंक्शन है जो रिटेलर परफॉर्म नहीं कर सकता। ऑप्शन ए सेलिंग, ऑप्शन बी सॉर्टिंग, सॉर्टिंग होता है सामान को अलग से सेग्रीगेट करना उसकी क्वालिटी या उसकी वैरायटी के अकॉर्डिंग। ऑप्शन सी लोकेशन एनालिसिस, ऑप्शन डी बाइंग। तो क्या है जो रिटेलर नहीं कर सकता? ऑप्शन सी इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी लोकेशन एनालिसिस। वो लोकेशन को एनालिसिस नहीं कर सकता, जहां पर वो है उस जगह को एनालिसिस करना वो रिटेलर के लिए थोड़ा मुश्किल है। वो अपने प्रोडक्ट को एनालिसिस कर सकता है, अपने बिजनेस को एनालिसिस कर सकता है, अपने कस्टमर्स को एनालिसिस कर सकता है, बट वो जिस जगह पर रह रहा है उस एरिया को ही एनालिसिस वो नहीं कर सकता। एमसीक्यू नंबर सिक्स, ए ट्रांजिएंट कस्टमर इज ए कंज्यूमर हु विजिट्स ए रिटेलर,
एक ट्रांजिएंट कस्टमर कौन होता है जो रिटेलर के पास आता है? ऑप्शन ए एंड फाइंड द आइटम्स एंड नहीं आएगा यहाँ पर, आप ध्यान रखना। फाइंड द आइटम्स डिजायर्ड इन ए मैटर ऑफ मिनट्स, मतलब जो आएगा और मिनटों में ही कोई प्रोडक्ट को ढूंढ कर लेकर चला जाएगा। या ऑप्शन बी ओनली वेन हीज और हर रेगुलर रिटेलर इज क्लोज्ड, जब उसका रेगुलर रिटेलर जो है वो नहीं खुला होगा। ऑप्शन सी दैट डज नॉट मीट हिज कस्टमर सर्विस एक्सपेक्टेशन, जो कि आपके पास आया लेकिन उसको आपकी सर्विसेज अच्छी नहीं लगी। ऑप्शन डी वाइल ऑन वकेशन, जो वकेशन पर कहीं भी घूमने चले जाएंगे और जैसे गोवा में गए और वहां जाकर कुछ भी खरीद लिया। तो ट्रांजिट कस्टमर कौन होते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन सी। तो ऐसा कस्टमर जो कि आपकी एक्सपेक्टेशन, जो कि जितनी उसको एक्सपेक्ट थी आपकी सर्विसेज उतनी उसको नहीं मिली है वहां पर, तो वो अस्थायी रहेगा आपका, मतलब वो जब उसको कोई और ऑप्शन नहीं मिलेगी तो ही वो आपके पास आएगा, अदरवाइज वो किसी और के पास जाएगा। एमसीक्यू नंबर 7, मर्केंडाइज अवेलेबिलिटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, मर्केंडाइज अवेलेबिलिटी किसका एग्जाम्पल है? नंबर ए कॉस्ट ऑफ सेल, ऑप्शन बी प्री ट्रांजेक्शन सर्विसेज, ऑप्शन सी ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑप्शन डी ट्रांजेक्शन सर्विसेज। तो मर्केंडाइज अवेलेबिलिटी किसका एग्जाम्पल है, सोचिए जरा। यस, इसका राइट आंसर है डी, ट्रांजेक्शन सर्विसेज जो है ये मर्केंडाइज अवेलेबिलिटी का एग्जाम्पल है, कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो आपको अवेलेबल होगा या नहीं होगा। एमसीक्यू नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ ए विजुअल कम्युनिकेशन प्रोग्राम। विजुअल कम्युनिकेशन, जब आप किसी से बातचीत कर रहे हो, आप बोल कर लिख कर जिस जो भी मेथड आप यूज कर रहे हो, तो इस तरह के जो प्रोग्राम होते हैं इनमें से क्या, जो चार ऑप्शन है इसमें से क्या इस विजुअल कम्युनिकेशन का पार्ट नहीं है? नंबर एक स्टोर नेम एंड लोगो, नंबर बी इंस्टीट्यूशनल साइनेज, नंबर सी लाइफस्टाइल्स ग्राफिक्स, नंबर डी टेलीविजन एडवर्टाइजिंग। तो इसमें से क्या है जो विजुअल कम्युनिकेशन का पार्ट नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, टेलीविजन एडवर्टाइजिंग जो है ये मीडिया में आता है, विजुअल कम्युनिकेशन में नहीं आएगा। यू आर नॉट कम्युनिकेटिंग समथिंग, मतलब अगर आप अपना नेम लिख रहे हो, लोगो दे रहे हो, अपना कोई साइनेज साइन बनाया है आपने, तो ये ऐसी चीजें जो हैं ये आपकी विजुअल कम्युनिकेशन में आएंगी। एमसीक्यू नंबर 9, ए सेट ऑफ बेसिक वैल्यूज परसेप्शंस वॉन्ट्स बिहेवियर लर्नड बाय मेंबर ऑफ सोसाइटी। ठीक है, मतलब अगर कोई भी सोसाइटी का एक पर्सन, एक सोसाइटी का एक बंदा, अगर वो परसेप्शन सीखता है, वॉन्ट्स बिहेवियर, उसको कुछ मॉरल वैल्यूज सीखता है वो फ्रॉम द फैमिली एंड द अदर इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन इज गुड, या तो वो अपनी फैमिली से सीखे या फिर वो अपनी सोसाइटी से सीखे। तो इस तरह का जो सेट ऑफ बेसिक वैल्यूज होते हैं ये क्या होते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं? ए सोशल लर्निंग, बी सब कल्चर, सी कल्चर या डी सोशल डेवलपमेंट। इन चारों में से हम क्या बोलेंगे अगर एक बंदा अपनी फैमिली में कोई संस्कार सीखता है तो उसे? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी कल्चर, क्योंकि कल्चर जो है ये सब फैमिलीज मिलकर कल्चर बनाएंगे ना। तो अगर एक बंदा जो है अपनी फैमिली से कुछ सीख रहा है, उसकी फैमिली वो चीजें कहाँ से लाई है, वो उसके आसपास वाले जो भी लोग थे या उनके जो रिचुअल्स हैं या जो आसपास वाले लोग करते हैं वहीं से ही उसकी फैमिली ने सीखा, उसकी फैमिली से उसने सीखा, तो ये कल्चर होता है। एमसीक्यू नंबर 10, एमसीक्यू नंबर 10 है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इंक्लूड्स फोर्सेस लाइक स्मॉल ग्रुप फैमिली सोशल रोल्स स्टेटस दैट विल हैव एन इन्फ्लुएंस ऑन बायर्स बिहेवियर। इसमें से क्या है जो एक इंसान के बाइंग बिहेवियर को इफेक्ट करता है, मतलब कोई चीज खरीदने के लिए उसको क्या चीज इफेक्ट करती है? कल्चरल फैक्टर, मतलब जो उसका कल्चर है, जैसे इंडियंस का कल्चर अलग है, फॉरेनर्स का कल्चर अलग है, तो ये कल्चर फैक्टर है जो किसी इंसान के बाइंग बिहेवियर को इफेक्ट करता है, या साइकोलॉजिकल फैक्टर जो उसके माइंड का स्टेटस है, या पर्सनल फैक्टर, या सोशल फैक्टर जो सोसाइटी में जैसे वो रह रहा है। इसका जो राइट आंसर है वो है डी, सोशल
सोशल फैक्टर। अगर एक इंडियन भी फॉरेन कंट्री के जाकर कल्चर में रहेगा थोड़े टाइम तक, तो उसका भी बाइंग बिहेवियर जो है वो चेंज हो जाएगा, फॉरेनर्स जैसा हो जाएगा। तो जैसे हम सोशल फैक्टर में रह रहे हैं, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, हमारा बाइंग बिहेवियर वैसा ही बन जाता है। एमसीक्यू नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिकल फैक्टर ड्राइव ए पर्सन टू सेटिस्फाई हिज नीड्स एंड वांट्स। इसमें से कौन सा फैक्टर है जो एक इंसान की इच्छाओं को, उसकी जरूरतों को सेटिस्फाई करता है? मोटिवेशन, परसेप्शन, लर्निंग, बिलीफ या एटीट्यूड? तो इन चारों में से क्या हो सकता है? इसका जो राइट आंसर है वह है ए। तो मोटिवेशन फैक्टर जो है किसी भी इंसान की जरूरतों को, इच्छाओं को क्रिएट भी करता है और फुलफिल भी करता है। Which of the following factor influence the organizational buying decision process? अभी तक तो हम बात कर रहे थे कि इंसान के buying behavior को क्या इफेक्ट करता है। अब हम इस क्वेश्चन में बात कर रहे हैं कि एक organization, कोई भी फर्म या कंपनी या संस्था, उसके buying decision process को क्या इफेक्ट करेगा। ऑप्शन नंबर ए बायर्स ऑब्जेक्टिव, बायर का क्या ऑब्जेक्टिव है। ऑप्शन बी परचेजिंग पॉलिसीज। ऑप्शन सी साइज एंड कंपोजिशन ऑफ बायर्स, किस तरह के उसके बायर्स हैं। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, या इन चारों में से सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको यहाँ स्क्रीन पर पहले से ही दिख रहा है, इसका राइट आंसर है डी। तो ऑर्गेनाइजेशनल का जो, ऑर्गेनाइजेशन का जो बाइंग बिहेवियर है वो तीनों चीज़ों पर इफेक्ट करता है। बाइंग, उसके बायर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है, परचेज की पॉलिसीज क्या है, उसके बायर्स का साइज एंड कंपोजिशन क्या है, मतलब किस किस तरह की कितनी कितनी चीजें उसके बायर्स खरीदते हैं। एमसीक्यू नंबर 13। व्हेन मेकिंग परचेजिंग डिसीजंस द चीफ कंसिडरेशन इन्वॉल्व इन द ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग आर, मतलब जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो परचेज का डिसीजन कर रही है तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो क्या है उसके लिए? प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्राइस, सर्विस या ऑल ऑफ द अबव। अब इसमें ये इतना इजी आंसर है, आपको इसमें तो पता लग ही गया होगा कि इसके लिए क्या आंसर होना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई भी, चाहे वो इंसान है चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन है, वो बाइंग का डिसीजन लेते समय, परचेज का डिसीजन लेते समय क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखते हैं। यस, इसका राइट आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। परचेज की क्वालिटी भी देखेंगे, प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्राइस, सर्विस, तो ये सब चीजें जो है कोई भी ध्यान में रखता है। एमसीक्यू नंबर 14। इफ ए सेलर प्रोड्यूसेस टू और मोर प्रोडक्ट्स दैट हैव डिफरेंट फीचर्स, मतलब अगर कोई जो सेलर है जो सामान को बेच रहा है उसके पास दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट हैं जिनके फीचर्स भी अलग हैं, स्टाइल भी अलग है, क्वालिटी भी अलग है, साइज भी अलग है, तो इस तरह के रिटेलर को क्या बोला जाएगा, इस तरह की मार्केट को क्या बोला जाएगा? मास मार्केटिंग बोला जाएगा, टारगेट मार्केटिंग बोला जाएगा, या इंडिविजुअल मार्केटिंग बोला जाएगा, या नंबर डी प्रोडक्ट वैरायटी मार्केटिंग। तो आप चारों में से बताओ कि इन चारों में से क्या होना चाहिए राइट आंसर। गैस करो आप लोग, और फिर जैसे ही मैं आंसर बताती हूँ आप लोग टैली किया करो। यस, इसका आंसर है डी। तो प्रोडक्ट वैरायटी, क्योंकि प्रोडक्ट की अलग अलग वैरायटी है, फीचर्स भी अलग है, स्टाइल भी अलग है, क्वालिटी भी अलग है, साइज भी अलग है, तो इस ऐसे रिटेलर के पास क्या है, प्रोडक्ट की अलग अलग वैरायटी है, प्रोडक्ट्स वैरायटी मार्केटिंग बोलते हैं इसे। एमसीक्यू नंबर 15। What is the term used if a market is divided into distinct group of buyers who might require separate products or marketing mix? इस तरह की मार्केट को क्या बोलेंगे जहाँ पर बायर भी अलग अलग है, प्रोडक्ट भी अलग अलग है? Yes. सोचिए जरा। ऑप्शन ए है मार्केट टारगेटिंग, ऑप्शन बी मार्केट पोजिशनिंग, ऑप्शन सी मार्केट सेगमेंटेशन, या ऑप्शन डी मार्केट कोऑर्डिनेशन। तो इस तरह की मार्केट को क्या बोला जाएगा, सोच लिया होगा आई थिंक आप लोगों ने। अब हम इसका आंसर बताते हैं आपको। इसका आंसर है सी, मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट सेगमेंटेशन जो है ये इसका राइट आंसर है।
मार्केट में अलग अलग सेगमेंट बने हुए हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट बने हुए हैं, डिवीजन बनी हुई है। जैसे कपड़ों का अलग सेक्शन है, ग्रोसरी का अलग सेक्शन है, स्पोर्ट्स का अलग सेक्शन है। तो मार्केट में क्या बने हुए हैं, सेगमेंट्स बने हुए हैं। अब हम आएंगे एमसीक्यू नंबर 16 पे, ठीक है। एमसीक्यू नंबर 16 है, लाइफस्टाइल, वेस्ट साइड, शॉपर स्टॉप हैव, ये अलग अलग रिटेलर्स हैं। लाइफस्टाइल, वेस्ट साइड और शॉपर स्टॉप, ठीक है, ये उनके नाम हैव लोकेटेड देयर डिपार्टमेंटल शॉप्स इन द एरिया फ्रीक्वेंटली विजिटेड बाय अपर इनकम पीपल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। मतलब लाइफस्टाइल, वेस्ट साइड और शॉपर स्टॉप, ये तीनों जो अलग अलग मार्केट्स हैं, इन लोगों ने जो अपने पास प्रोडक्ट रखे हुए हैं वो सिर्फ अपर इनकम मतलब अमीर लोगों के टेस्ट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट रखे हुए हैं। तो ऐसे इस तरह की मार्केट को क्या बोला जाएगा? ऑप्शन ए साइकोग्राफिक सेगमेंट, ऑप्शन बी जियो डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन, ऑप्शन सी डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन, या ऑप्शन डी जियोग्राफिक सेगमेंटेशन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है क्या होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए बी जियो डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। मतलब आप ऐसा नहीं है कि अमीर लोग और गरीब लोग दोनों इकट्ठे एक ही जगह रहते हैं, एक ही एरिया में रहते हैं, नहीं, उनका ज्योग्राफी वाइज भी अलग अलग रहते हैं। जैसे अगर हम इंडिया में बात करें तो अगर हम एरिया वाइज अमीर लोग अलग उनका दिखेगा आपको, गरीब लोगों का अलग एरिया दिखेगा। मीन्स क्योंकि उनका लिविंग स्टाइल उसके अकॉर्डिंग बना हुआ है। पोच एरिया जिसको बोलते हैं, महंगे महंगे जहाँ पर उनके घर होंगे रहने के लिए, तो नेचुरली अमीर लोग वहाँ पे रहेंगे। तो गरीब लोगों का थोड़ा अलग होगा, मिडिल क्लास लोगों का अलग होगा, अपर मिडिल क्लास जो होते हैं उनका अलग अलग, इस तरह से। तो जियोग्राफिक वाइज भी वो बटे हुए ही होते हैं, ठीक है। तो जियो डेमोग्राफिक दोनों चीजें हैं। डेमोग्राफिक मतलब जो एरिया वाइज, जैसे मैं बता रही हूँ, जैसे दिल्ली में कुछ पर्टिकुलर एरियाज हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा रिच पीपल रहते हैं, तो लाइफस्टाइल, वेस्ट साइड, शॉपर स्टॉप आपको वहां पर ज्यादा मिलेंगे, रादर देन जो बिल्कुल ऐसा एरिया होगा जो बिल्कुल डेवलप नहीं होगा, जहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक फैसिलिटीज नहीं होंगी, वहां पर आपको ये बड़ी बड़ी शॉप्स नहीं मिलेंगी, ठीक है। नंबर 17, इफ एन ऑर्गेनाइजेशन टारगेट ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट सेगमेंट्स इन ऑर्डर टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग रेप्यूटेशन इज कॉल्ड, मतलब अगर एक ऑर्गेनाइजेशन एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ही टारगेट करती है, और किस लिए टारगेट करती है, कि वो अपनी रेप्यूटेशन को स्ट्रॉन्ग बना सके। जैसे सिर्फ एडिडास के शूज ही आपको एक पर्टिकुलर स्टोर पर मिलेंगे, सिर्फ लिबर्टी के शूज ही मिलेंगे, तो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को टारगेट किया हुआ है। अभी मुझे लिबर्टी के शूज लेने हैं तो मैं सभी शॉप्स पर नहीं जाऊंगी, लिबर्टी के शूज जहां मिलेंगे, प्रॉपर लिबर्टी के शोरूम होगा वहीं पर ही मिलेंगे, ठीक है। तो ये उन्होंने ऐसा किस लिए किया है, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन करने के लिए, या मार्केट स्पेशलाइजेशन करने के लिए, या ऑप्शन सी सेलेक्टिव स्पेशलाइजेशन करने के लिए, या ऑप्शन डी सिंगल सेगमेंट कंसंट्रेशन के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, आप सोचिए फिर मैं बताती हूँ आपको। राइट आंसर है प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट की स्पेशलाइजेशन। अभी मुझे लिबर्टी के शूज बोलते ही मैंने क्या किया, मैंने स्पेशल प्रोडक्ट को हाईलाइट किया है। अदरवाइज शूज तो बहुत सारे होते हैं, तो जब आप पर्टिकुलर किसी एक ही प्रोडक्ट को स्पेशलाइज करते हो और उसी की ही शॉप बनाते हो, या अपना मॉल बना, या अपना स्टोर बनाते हो, तो आप क्या कर रहे हो, आप अपनी गुडविल को और ज्यादा बेटर करने के लिए एक ही प्रोडक्ट पर टारगेट कर रहे हो, ठीक है। द नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइन्स ए कंपनी कैरीज इज कॉल्ड, देखो अगर एक कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट्स को सेल कर रही है, मैन्युफैक्चर कर रही है, या रिटेलिंग कर रही है उनकी, तो ऐसी कंपनी को क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए प्रोडक्ट मिक्स, ऑप्शन बी प्रोडक्ट मिक्स डेप्थ, ऑप्शन सी प्रोडक्ट मिक्स विड्थ, ऑप्शन डी प्रोडक्ट मिक्स लेंथ।
इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए मैं ही बता देती हूँ आपको, आपने गेस कर लिया होगा अब तक। इसका जो राइट आंसर है प्रोडक्शन, प्रोडक्ट मिक्स विड्थ। क्यों? क्योंकि एक मतलब प्रोडक्ट की विड्थ उसने क्रिएट कर लिया। जैसे मान लो जेंट्स ड्रेसेस अगर किसी कंपनी पर आपको मिलेंगी तो वहां पर अलग अलग वैरायटी आपको मिल जाएगी, अलग अलग डिजाइन मिलेंगी, अलग अलग क्वालिटी मिलेगी, अलग अलग रेंज मिलेगी, तो इसे प्रोडक्ट मिक्स विड्थ बोला जाता है। एमसीक्यू नंबर 9, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स मैनेजमेंट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है जिस तरह से, जिस मेथड से प्रोडक्ट जो है, चीज जो है वो मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक पहुंचती है, उसे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बोला जाता है। ठीक है, इज अंडरटेकन बाय सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जिसका पूरा कंट्रोल जो है वो एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में हो पूरे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का। इस तरह के मार्केट को, इस तरह के सिस्टम को क्या बोला जाएगा? नंबर ए, इसमें आंसर भी दिख रहा है आपको, वर्टिकल मैनेजमेंट सिस्टम बोला जाएगा। ऑप्शन बी, वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम बोला जाएगा। ऑप्शन सी, कन्वेंशनल मार्केटिंग सिस्टम बोला जाएगा। ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव, या इन चारों में से कोई नहीं, इन तीनों में से कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको स्क्रीन में ऑलरेडी दिख रहा है। इसका राइट आंसर है वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम। वन पर्सन इज द कंट्रोलर और ऑफ ऑल द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, पूरा कंट्रोल जो होता है ये एक पर्टिकुलर बंदे या कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में होता है। एमसीक्यू नंबर 20, एंड 20 इज अवर लास्ट एमसीक्यू। ठीक है, तो हम लोग इसको पढ़ते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द टोटल वैल्यू एंड द कॉस्ट ऑफ परफॉर्मिंग द वैल्यूज एक्टिविटी इज, मतलब टोटल वैल्यू में से अगर मैं कॉस्ट माइनस करती हूँ तो इसका जो डिफरेंस है उसे क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रीब्यूशन बोलेंगे या मार्जिन बोलेंगे या रिवेन्यू बोलेंगे या परफॉर्मेंस बोलेंगे? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आंसर बी, इसका राइट आंसर है मार्जिन। तो टोटल वैल्यू में से अगर हम कॉस्ट को माइनस कर देते हैं ना, टोटल वैल्यू मतलब जो सेल है, जो प्रोडक्ट की कोई भी वैल्यू होती है ना, प्राइस लिखा होता है, आपको किसी भी प्रोडक्ट पर आप खरीदने जाते हो और आपको जो भी वैल्यू वो देता है, ठीक है, प्राइस, एमआरपी नहीं, जिस वैल्यू पर आप खरीद के ला रहे हो, उसमें से अगर हम कॉस्ट को माइनस कर देते हैं, कॉस्ट मतलब जितने भी रिटेलर की टोटल लागत आई है, अगर हम उसको माइनस कर देते हैं तो जो बीच का डिफरेंस है उसे हम मार्जिन बोलते हैं। ठीक है, तो ये टोटल एमसीक्यूज 20 मैंने कराए हैं रिटेल के लेवल 3 और लेवल 4, मतलब क्लास 11 और क्लास 12 दोनों के लिए ये अच्छे हैं, पढ़ने में काम आएंगे जब आप पेपर की तैयारी करोगे। तो आप प्लीज इन 20 एमसीक्यूज को ध्यान से कर लेना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।